बाहर आ गई आप आए और बाहर आई आई एम सो ग्लैड कि आप आई हैं पूरा मतलब आपने ऐसा क्या बोलते हो कि कभी चला पीछे हो जाए पहले आ जाओ वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे निकले 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 सामने देखिए अभी सुल्तान लुक यार अरे देखो आजा 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 यहां पे बैठ और मुझे सामने सामने नहीं आंख में लग जाए इधर देखा ही नहीं आपने मैं आज देखा ही नहीं दीपा जी शिल्पा जी बिल्कुल शिल्पा जी के बारे में मैं कहूँगी कि शिल्पा जी एक मल्टी फेज विविध रंगी पर्सनालिटी हैं और बहुत साल पहले ही बिग ब्रदर में जीत करके वो कहते हैं ना कि एक एशिया को इंडिया को एक खिताब दिला चुकी हैं। उनके जो रोल्स हैं उनके जो वेरिएशंस हैं वो भी बहुत कमाल के रहे। एक होते हैं ना कि बाजीगर हम कभी नहीं भूल सकते, बाजीगर से तो हमारी इतनी चाहे छोटे हों बड़े हों एक टाइम मतलब ऐसा था कि बाजीगर के बाद चुरा के दिल मेरा वो टाइम पे तो ये नेशनल क्रश रही और तब से लेकर आज तक बिल्कुल। और आपने जो है फिटनेस को एक नई दिशा दी, लोग हम कहते हैं ना कि योग हमारी ही देन है लेकिन हम लोगों को मतलब ये याद दिलाना पड़ा कि भाई योग हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, योग हमारा ही देन है। उसको इवॉल्व करने में पूरी दुनिया भर में एक गेम चेंजर, एक फिटनेस के लिए एक नज़रिया बदलने में शिल्पा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हम बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपको यहाँ पे सम्मान देके। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ओ हो इस सम्मान के बोझ तले दब गई। नहीं जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, आपने एक्नॉलेज किया इस बात को, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एक्नॉलेजमेंट ही बहुत बड़ी बात है, अवार्ड रिवॉर्ड्स ऑल दैट कम्स लेटर। और मैंने जो भी किया फिटनेस के क्षेत्र में ये सोच के नहीं किया कि मुझे अवार्ड्स चाहिए। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिलीव करती हूँ, आई वॉक द टॉक और मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ जो मैं प्रीच करती हूँ। तो मुझे खुशी है कि ये जो दौर है एंड द जेनरेशन ऑफ दिस टाइम इज़ फॉलोइंग योगा मोर सीरियसली दैन 20 ईयर्स अगो। तो आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मेरे लिए। सो थैंक यू ऑडियंसिस को और आपके ज़रिए ऑडियंसिस तक पहुँचने के लिए। आपकी तो बहुत आपका किरदार जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हमें उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी शुक्रिया जी। आई नो इट्स आई थिंक नवभारत टाइम्स काइंड ऑफ इज सिनोनिमस विद टुडेज टाइम्स एंड उनके जो ख्यालात है इट्स यू नो इट्स ऑलवेज कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू इनोवेट एंड गिव पीपल मे बी द ओल्ड स्टोरीज बट इन अ न्यू यू नो इन अ न्यू प्रेजेंटेड वे एंड आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स वेदर इट बी मूवीज वेदर इट बी राइटिंग जर्नलिज्म एंड I heartiest congratulations to all the readers and the people behind Navbharat Times. शुक्रिया 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 बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। आइए आइए प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए Yes, yes. Good of you. Ravina ji, start from here.
जी आई थिंक ये बहुत ही हमारा सबसे सीनियर और पुराना इस्टेब्लिशमेंट रहा है और इंस्टीट्यूशन रहा है। जहाँ तक कि मीडिया का सवाल है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनफैक्ट मैं भोपाल में शूटिंग कर रही थी इसलिए मैम बोल रहे थे कि आप आए भोपाल से इस इवेंट के लिए। आई थिंक जहाँ पे सीनियरिटी होती है और जहाँ पे इंटेग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। आई थिंक आई एम हियर विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नवभारत टाइम्स। यस ऑलवेज आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। लकीली नवभारत टाइम्स हैज़ नेवर बीन कि मुझे याद हो पहले प्री 90s में कि गॉसिपी येलो जर्नलिज्म या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो। ऑलवेज स्ट्रेट फैक्ट्स होते थे और अच्छे पॉजिटिव आर्टिकल्स होते थे एंड आई थिंक इसलिए वो क्रेडिबिलिटी भी भरती है एंड दैट्स व्हाई यू फील लाइक डूइंग व्हाट यू डू। मतलब रविन्या जी के बारे में तो मतलब कभी क्या वो गाना जो है ना देखते ही तुमसे प्यार हुआ, तो वो वाला गाना जो है बोलते ना कैसे दिल में एक घंटी बजती है, तो आज भी वही है, वही रविन्या जी का जलवा है। और ओवर द इयर्स चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं एंटरटेनमेंट में हैं और देखते जाते हैं कि एक कलाकार कैसे निखरता जाता है संवरता जाता है। दमन में जब उनका काम था, जब नेशनल अवार्ड मिला, या जितना भी उनका बॉडी ऑफ वर्क है चाहे वो सामाजिक सरोकार की फिल्में हों या एंटरटेनमेंट मसाला फिल्में, हर जगह रविन्या जी का एक वो रहता है, जलवा रहता है। आरण्य अभी जो आया था उसमें भी बहुत सुपर्ब काम हुआ है, तो हमें लगा कि पार एक्सेलेंस जो एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड जो जाना चाहिए वो रविन्या जी को ही मिलना चाहिए, वो उसकी हकदार है। KGF 2 के बारे में हाँ, और KGF 2 तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अभी मैं आ रही थी उनके बारे में बोल रही थी। नहीं, हमने पूरे आपके इंट्रो में पूरा वो लिखा है आर्टिकल में, और उसमें मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक अलग ही तरह का रोल जो कि रविन्या का एक रविन्या टंडन का एक बहुत ही अलग रोल हमें देखने को मिला। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में हो और जिनको जो रविन्या का इतना बड़ा फैन हो तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है। आप हमारी मेहमान हैं, अवार्डी हैं। मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं NBT उत्सव 2022 ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद, बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनकर। मैं बहुत खुश हूँ और जहाँ तक के इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है तो नवभारत टाइम्स अब 72 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और वो उत्सव इसलिए भोपाल से आई हूँ यहाँ बनाने के लिए शूटिंग के बीच में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 इयर्स आप और मैं शायद हो ना हो बट अनदर ग्रेट 72 इयर्स है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, चलिए आइए। हेलो रोहित, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, रोहित हमारा, मुझे लगता है सिर्फ मेरा NBT का नहीं, रोहित हम सबका बहुत ही फेवरेट बच्चा है। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे याद है रेखा मैम ने एक्चुअली 3 साल पहले जब मैं स्काई स्पिन के लिए इंटरव्यू दे रहा था, मैम वैनिटी में आई, हमारी इंटरव्यूज़ वैनिटी में चल रहे थे और मैंने मैम को बोला मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो एंड उस टाइम पे मैम ने बोला कि यू नो दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर रिस्पेक्ट, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू डू दिस विद यू। थैंक यू, बिल्कुल बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू, और बहुत ही जेंजी स्टार ऑफ द ईयर। चलिए आप बैठिए प्लीज। जी,
जानवी कैसा लग रहा है? जानवी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, धड़क से जब उन्होंने शुरुआत करी तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नज़र आते हैं, बिल्कुल श्री जी की बेटी, बोनी जी की बेटी, ऐसे कहते हैं ना कि एक उनमें जो कला है वो उनकी विरासत है, उनके खून में है। लेकिन फिर एक मैं मुझे याद है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको पूछा भी था कि श्री जी की बेटी होना कितना भार लगता है, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि वो उस भार से निकल गई हैं। उन्होंने अपने आप को एक अभिनेत्री के तौर पे, बिल्कुल एक एक्ट्रेस के तौर पे पूरी तरह से साबित किया। उनकी लगातार जितनी फिल्में मतलब मिली, जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड, धड़क से लेके मिली तक जो जानवी का सफ़र है वो बहुत ही कमाल है। बहुत एक एक्ट्रेस के तौर पे उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, और आपको आज जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पहले तो थैंक यू, आपने इतना कुछ कहा, दिल खुश हो गया जी। लेकिन जैसे कि आपने कहा था, लोगों को हमेशा लगता है कि मौके और एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर वो सब विरासत में मिले ही थे क्योंकि मैं मम्मा पापा की बेटी हूँ। लेकिन वो जो मेहनत करने की इच्छा, ईमानदारी से काम करने की इच्छा, ये सब भी विरासत में मिली है। तो होपफुली मेहनत करती रहूँगी और आप सबको गर्व दिलाते रहूँगी। आई एम सो ऑनर्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग इस तरह से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना प्यार दिखा रहे हैं। इट मीन्स अ लॉट। जस्ट कंग्रेचुलेशंस, इट्स बीन सो मेनी इयर्स एंड इट्स सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, और आई थिंक हम हर साल वी लुक फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। I would just like to say thank you so much for having आपका me. आपका शुक्रिया and for being so kind. चलिए, बहुत मुबारक हो, आइए, आपका स्वागत है। आ जाइए।